हेलो बी ब्रिज है सफलता और सफलता तब जाके लोग क्रॉस करेंगे आपके ऊपर से एक नेता सबसे पहले अड़ोस पड़ोस के आधार कार्ड बनवाता है खोखा खोखा बचा है बी द ब्रिज बी ब्रिज बी द ब्रिज हेलो, मैं जो आकृति बनाए हुए हूं आपको भी ये बनानी होगी मोशन के साथ इमोशन जुड़े हुए हैं मुंह से बोलो बी द ब्रिज बी द ब्रिज सेतु बनना होगा इस दुनिया का कोई भी गरीब जो अमीर बनना चाहता है, है उसके लिए मैं सेतु बनूंगा।, से से बनूंगा एक आदमी जो, जो बुराई से अच्छाई की तरफ जाना चाहता है सेतु बनेगी सफलता से सफलता के लिए मैं सेतु बनूंगा, से, से बनूंगा। ब्रिज बनना होगा भाई एक लीडर दुनिया के लिए ब्रिज बनता है एक इन्फ्लुएंस करने वाला आदमी ब्रिज बनता है ब्रिज बनता है एक नेता सबसे पहले अड़ोस पड़ोस के आधार कार्ड बनवाता है फिर वो मूल निवास बनवाता है फिर कुछ और बनवाता है बनवाते 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 फिर बिजली की फाइलें लगाता है फिर उसके लगाता है जितने में आसपास के लोग यार ये काम करवाता है भाई ये काम करवाता है धीरे 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 एक दिन उसे सरपंच का टिकट मिलता है धीरे धीरे एक दिन पार्षद का टिकट मिलता है आखिर वो करता क्या है वो दुनिया के अधूरेपन से पूर्णता के लिए लोगों के बीच में जाके ब्रिज बनता है ब्रिज बनो प्लॉट बिकेंगे ब्रिज बनो प्लॉट बिकेंगे ब्रिज बनना होगा भाई और ब्रिज कैसे बनते हैं दोनों शिविरों में पैर रखना होगा सफलता और सफलता तब जाके लोग क्रॉस करेंगे आपके ऊपर से आपको ब्रिज बनना होगा आपके ऊपर से लोग चले जाएं। इस हद तक लोगों के लिए सेवा करो आप सर्विस इंडस्ट्री में हो भाई प्लॉट बनाती है कंपनी लेता है कंज्यूमर आप क्या करते हो आप सर्विस देते हो आप सेवाएं देते हो आप लोगों की जिंदगी में उन्हें बसाने में मदद करते हो ये ब्रिज बनने वाली इंडस्ट्री है आप ब्रिज बनो जाने दो कामयाबी को आपके ऊपर से आप बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हो लोगों को ब्रिज बनो बी द ब्रिज और दो शिविर दोनों शिविरों का मतलब क्या हुआ नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए दोनों जगह आपको ब्रिज का काम करना होगा लोग कामयाब सोच नहीं रखते मरी हुई घटिया सोच रखते हैं कन्वर्ट करनी होगी उन्हें अच्छी लेवरेज वाली सोच में लोगों को कभी इन्वेस्टमेंट के डायमेंशन बदल जाते हैं कन्वर्ट करना होगा जमीन पे क्योंकि धरती पे एक ही चीज़ है जो लिमिटेड है जमीन जमीन तो जो चीज़ लिमिटेड है एक दिन उसकी तूती बोलती है जो लिमिटेड है एक दिन उसके भाव बढ़ते हैं जो लिमिटेड है एक दिन वो आपको उठाती है बी द ब्रिज ब्रिज बनना होगा दोनों हिस्सों में पाँव रखना होगा सीढ़ी के दो हिस्से एक वहां एक वहां ब्रिज बनती है सीढ़ी, आपको भी ब्रिज बनना होगा मैश इट जो दुनिया के दो चीजें मिलना चाहती है आप अपने आप को न्योछावर करके उन्हें मिलाने का प्रयास करो मैश बी द ब्रिज मैश कैसे अपनी बातों से जो लोग दुनिया में टूटे हुए हैं अलग हैं उन्हें मिलाने का प्रयास करो उन्हें मैश करने का प्रयास करो बनो लोगों के लिए फेविकोल बनो लोगों के लिए रिलेशनशिप में मदद करने वाले व्यक्ति बनो इसे मैश करो शांतिदूत के रूप में कार्य करो पूरी दुनिया लोगों को भड़काने का मौका नहीं चूकती, पूरी दुनिया लोगों को चिढ़ाने का मौका नहीं चूकती, पूरी दुनिया आग लगाने का मौका नहीं चूकती ऐसा नहीं करना ऑर्गेनाइजेशन में आपके लीडर्स में आप में प्रोजेक्ट्स में जिंदगी में कोई भी कमी हो सकती है कोई भी और संभावनाएं हो सकती है लेकिन किसी एक चीज को लेकर अगर आप नेगेटिविटी फैलाते हो आप अन्याय कर रहे हो अपने प्रोफेशन के साथ जीवन भर जो शांति दूत का काम करे वो ए आई थिंकर बनता है वो लेवरेज करता है परिस्थितियां फेवरेबल तो सब अच्छा परिस्थितियों में थोड़ी सी विकट चीजें आई थोड़ी परीक्षा हुई एटीट्यूड बदल गया नहीं दूत के रूप में काम करता है एक व्यक्ति क्योंकि वो ब्रिज बनता है शांति दूत बनो ब्रिज बनो ब्रिज बनो और दूत वो बनता है जो बनिया मॉडल पर जीता है दुनिया में दो मॉडल फेमस है एक बनिया मॉडल एक चौधरी मॉडल <laughs> दोनों मॉडल अच्छे हैं जहाँ जो काम में आएगा वो काम में लो आप धंधे वाले हो आप व्यापारी हो शांति जीवन से कभी जुदा नहीं होनी चाहिए नहीं रोकड़ा चला जाएगा वाट इज बनिया मॉडल तो एम में सिखाया जाता है वाट इज बनिया मॉडल एक था लाला एक, एक था चौधरी चौधरी ने लाला के जमा दी एग्जाम्पल सही है चौधरी जमा लाला के कहां लेते जमाने के चौधरी जमा सकता है जमा दे अब जो लाला करेगा वो दुनिया के लिए लेशन होगा अब वो बाटे उठा के मारेगा अलो? Yes, yes. बाठा उठा के मारेगा लेकिन कौन सा उठाएगा जो पत्थर जमीन में गडा हुआ हो <laughs> तो तू रुक, तो रुक। <laughs> जब किसी को कहते ना तो रुक और पत्थर तो भाग जाता है या तो भाग जाएगा पत्थर नहीं निकलेगा क्योंकि वो वो उठा ही नहीं रहा जो पड़ा हुआ है वो वो उठा उखड़ रहा है जो गढ़ा हुआ है जो उखड़ेगा ही नहीं उसके बाप से सहनन रखो मेरे भाई सहनन रखो ए ग्रेट लीडर सहन करता है अगर सहनन खत्म कर ली तो सब खत्म हो जाएगा सहनन करो सहन करो परिस्थितियां कभी भी किसी की भी बदल सकती हैं, अनफेवरेबल हो सकती है उनमें संघर्ष करने में साथ रहो उस टाइम अगर पीठ दिखा दी तो ध्यान रखना जिस वक्त तिलक की बारी आएगी आपको कोई पूछेगा भी नहीं भाई सहनन करो सहन करो झोंपड़ी होती है झोंपड़ी तो झोंपड़ी जिस मेन लठ पे टिकी होती है उसको बोलते हैं बड़छिंगा उसके एक सांप लिपटा हुआ था नीचे आग की बट्टी जल रही थी उस पर तेल की कढ़ाई थी आग की वजह से तेल उबलने लगा और भाप बन के उठने लगा और जैसे ही भाप उसके टच हुई तो उसके चरमराहट लगने लगे छोड़ूंगा अब यहाँ नहीं करूँगा काम बहुत दुखी करते हैं अब तो मेरी जल रही है यहां नहीं बर्दाश्त हो सकती अरे जैसी है सही है अरे सुन सही है नहीं मैं छोड़ूंगा बहुत जल रही है बहुत जल रही है अरे देख सहन कर ले, ओए सहन मेरे सहन की भी एक सीमा होती है कुछ नहीं है इससे भयंकर सीमा आएगी मैं तो मेरे तो मैं तपत लग रही है मैं तो छोड़ूंगा बल छिंडा छोड़ दिया कढ़ाई में आके गिरा पहला सवाल वहां सही था कि अब सही है <laughs> भाई साहब टोपी वाले भाई साहब समझ तो रहे पहले वहां सही था कि यहां सही है वहीं सही था पहले तो सिर्फ तपत लग रही थी अब साले की सूख गई पूरी तपत में सूख जाएगी अब ऐसे मैंने तेईस सालों में कई को बड़ छिंडा छोड़ते हुए देखा है कढ़ाई में जाते हुए देखा है खोखा खोखा बचा है बाकी सब जल गए अभी सुनो अभी सुनो अभी और रहे अभी सहन ये भी नहीं हो रहा अब उखरा बारे बारे ओह बलगी रे बड़की अब तो और नीचे जाना है अब और नीचे जाना है अब जाएगा सही जगह फिट होने अब तैयारी कर रहा है वहां जाने की धंधे oh! में धंधे में शांति दिमाग ठंडा जुबान पे शक्कर और पाओ में चक्कर यह है बनिया मॉडल कभी जीवन में धंधे वाला आदमी दिमाग गर्म नहीं करता शांति परम रखता है बर्फ रखता है सिर्फ जब भी प्रकृति आपको तकलीफ देवे ना तो समझ लेना इसको सहन कर सहन नहीं तो कड़ाई तैयार है और वहां सहन अभी अब यहां भी सहन कर लेगा तो थोड़ी देर में हो सकता है कुछ ठीक हो जाए लेकिन जो भट्टी में ही जाना चाहता है उसकी तो कोई रोक भी नहीं सकता भाई आपको एक दिन ऐसा समय आएगा कंपनी से तपत लग सकती है लीडर से तपत लग सकती है टीम से तपत लग सकती है परिस्थितियों से तपत लग सकती है जो सहन कर गया वो बापू है